तो हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, टुटुका यूट्यूब चैनल। सो ये ब्लॉग थोड़ा सा अलग है, बिल्कुल हटके है, मतलब लाइक काइंड ऑफ फूड व्लॉगिंग कह सकते हैं, बिकॉज मैंने दिल्ली से हूँ मैं, तो ऑब्वियसली मैंने दिल्ली का तो सारा खाना टेस्ट किया हुआ है, वो बहुत 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 टेस्टी होता है। बट एक सेकेंड, ठीक है, लाइक इंदौर में तीन चार जगह मुझे बहुत बहुत ऐसा लगा कि भाई मुझे एक्सप्लोर करनी ही चाहिए, मैं बिना खाए नहीं जा सकती। तो अभी मैं सुबह से सो रही थी, बिकॉज मेरा रात भर शूट था, उससे पहले मैंने अप्लाई किया था, तो मैं उठ ही नहीं पाई। तो अभी मैं उठी हूँ, मैं रेडी हो चुकी हूँ, तो अब मैं जा रही हूँ इंदौर का फूड एक्सप्लोर करने। और मुझे भी नहीं पता यहाँ का टेस्ट कैसा है, बिकॉज मैंने कल भी खाना लाइक जोमेटो से मंगवा के खाया था, दैट वॉज नाइस, बट प्रॉपर मैंने फूड यहाँ का नहीं ट्राई किया है। तो आज देखते हैं कि यहाँ का फूड कैसा है, टेस्ट में ऑब्वियसली अच्छा होगा, बिकॉज दिस इज लाइक सब लोग बोल रहे हैं, तो ऑब्वियसली मैं देखते हैं कैसा क्या है, कहाँ का क्या स्पेशल चीज़ है। तो अभी मैं निकल रही हूँ, जस्ट मेरे होटल रूम में हूँ, अभी मैं निकल रही हूँ फूड ट्राई करने के लिए, देखते हैं कि खाना कैसा होता है। लाइक मैंने एक दो जगह तो फ़ोन करके स्पेशली बोला भी था कि भैया मैं आ रही हूँ, बिकॉज मैंने बहुत सुना है आपके प्लेस के बारे में, तो ऐसा करके। तो अभी मैं वहाँ जा रही हूँ, लाइक फर्स्ट वहाँ नहीं जा रही, सेकेंड प्लेस पर वहाँ जाऊँगी। तो अभी हम जा रहे हैं, बताती हूँ, स्टे ट्यून्ड। फर्स्ट प्लेस जहाँ हम आए हैं वो एक्चुअली मैं आई हूँ 56, यहाँ का बहुत फेमस प्लेस है ये। तो अभी यहाँ के जाके फूड ट्राई करते हैं कि कैसा है। एंड सी, यहाँ पे 56 दुकानें हैं जिसके ऊपर नंबर्स भी लिखे हुए हैं, सो लेट्स गो। फर्स्ट लोकेशन इज़ विजय चाट हाउस, यहाँ पे देखते हैं हम क्या खाते हैं। हमने लिया है बाटला कचौरी, जो यहाँ विजय शॉप पे बहुत फेमस है, तो देखते हैं कैसा टेस्ट है। तो नेक्स्ट इज कोबरा पेटीज, विच इज ऑल्सो वेरी फेमस। तो अब हमारा नेक्स्ट है मधुरम स्वीट्स, यहाँ पे हम कुछ मीठा खाएंगे। एंड यू नो व्हाट, ये प्लेस अभी इतना एम्प्टी लग रहा है, बट ये जितनी शाम होती जाती है उतना भरता जाता है। कल मैं शाम को आने की कोशिश की थी, बट ये बहुत ज़्यादा भर चुका था, यहाँ पे बहुत सारा क्राउड हो चुका था। एंड लिटरली ये बहुत ही ज़्यादा फेमस जगह है, और मैं क्योंकि मैंने खोपरा पेटीज़ खाया, विच इज़ वेरी 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 टेस्टी, प्लीज़ मस्ट ट्राई जब भी आप लोग आओ। और मैं यहाँ पर बहुत लाइट बोलूँगी, वरना मैं वॉइस ओवर डाल दूँगी, तो प्लीज़। और मैं खाते हुए दिखा नहीं सकती, बिकॉज मैं सिंगल आर्मी हूँ, सिंगल वन मैन आर्मी। तो चलते हैं मधुरम, हम ट्राई कर रहे हैं यहाँ की शाही रस मलाई। पहले मैं शिकंजी पीने वाली थी, लेकिन भैया ने बोला कि यहाँ पर रस मलाई पहले टेस्ट करो, तो देखते हैं रस मलाई कैसे। दिस इज़ वेरी वेरी यूनिक, बिकॉज ये गिर गाय के दूध की बनती है, और इसमें बिल्कुल भी शुगर नहीं है, यू वॉन्ट बिलीव, इसमें बिल्कुल भी शुगर नहीं है, बहुत टेस्टी है, प्लीज़ मस्ट ट्राई। तो ये है शॉप के ऑनर, और इन भैया ने मुझे बोला कि ये गिरगांव दूध की बनती है, और विच इज़ वेरी नाइस, एंड शुगर की इंडस्ट्री में चलता है। सो नेक्स्ट हम ट्राई कर रहे हैं यहाँ की शिकंजी, शाही शिकंजी। तो अभी आ रही है, यहाँ पे शिकंजी लेके हाजिर है, दिखाइए भैया। ओके, सीधे सिकंजी की कॉइन कंसिस्टेंसी, दैट्स राइट। तो अभी हमने ट्राई किया था शाही शिकंजी और शाही रसमलाई, विच इज़ वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छी लगी। लाइक मुझे मीठा कम पसंद है, तो मुझे अच्छी लगी, बट उतना मुझे ज़्यादा तीखा पसंद है, तो ऑब्वियसली। तो अभी मैं एक दुकान के पीछे पड़ी हूँ, प्लीज़ डोंट जज मी। तो यहाँ पे बिकॉज सब जगह शोर था, यहाँ शोर नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। और नेक्स्ट अभी मैं, मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरा पेट बहुत जल्दी भर जाता है, तो अभी देखते कहाँ जाते हैं। ये मुझे
मुझे रास्ते में दिखा था और मैंने ट्राई किया, बट इसका टेस्ट बहुत गंदा था तो मैंने नहीं खाया, बहुत तीखा था। फिर ये रात एकदम से कैसे हो गई पूछोगे, तो मैं होटल चली गई थी, सो गई थी, फिर रात में निकली थी और ये है रात का नज़ारा। आई लव इंदौर। सो यस, नाइट लाइफ, यहाँ की नाइट लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा। तो ये था स्पेशल जहाँ मुझे आना ही आना था, फलाफल जो मैंने बहुत देखा था, और ट्रस्ट मी ये बहुत टेस्टी भी था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। इसका टेक्सचर बहुत यम्मी था, लाइक वर्थ इट था। ये कुछ 140 रुपीज़ का था और बहुत टेस्टी था। उसके बाद मैंने सोडा पिया, फिर मैंने एक पिया नारियल क्रश, ये भी वहाँ का थोड़ा यूनिक सा था, मैंने पहली बार ट्राई किया था, मुझे कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा बट अच्छा था, यू कैन ट्राई, ठीक है। एंड ये 60 रुपीज़ का था ये। उसके बाद मैं गई थी मेले और मैंने बहुत इन्जॉय किया। ये 56 का रात का व्यू है। तो ये मैंने आपको दिखाया। यहाँ से उसके बाद मैं गई मेले और ये मेले का नज़ारा जैसे कि आप देख ही सकते हैं बहुत सुंदर था, बट बहुत ज़्यादा छोटा था तो इसीलिए इतना कुछ था नहीं, तो मैंने एक भी राइड नहीं की थी, बस एक दो गेम खेली थी जो आपको आगे दिख जाएगी। ये थोड़ा सा आप कुछ भी खरीद सकते हो, और ये जो राइड्स थी, मतलब दोनों और भी राइड्स थी, बट बहुत कम, छोटा सा था, लाइक शुरू होते ही ख़त्म हो गया था, इतना छोटा था। फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर और मैंने खेली थी ये गनबाजी जिससे बलून शूट किया जाता है, और इस शूट करने के बाद मैंने एक और गेम खेला था जिसका नाम मुझे नहीं याद, बट इस गेम में मैंने बहुत इन्जॉय किया था, मैंने अच्छे से शॉट मारा था और बहुत सारे बलून्स फूटे थे, पर इसका कोई प्राइज़ नहीं था तो मुझे कोई प्राइज़ मिला नहीं। तो अब आ गए हैं हम नेक्स्ट गेम पे। नेक्स्ट गेम है ये, इसमें रिंग को फेंकना होता है और फिर आपको प्राइज़ मिलता है, जो भी आप चाहोगे, बस रिंग जाना चाहिए, वो सो जो रखा है ना नंबर्स पे वो। तो उसके बाद मैंने उसको, हालांकि वो फेंका बट वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, पता नहीं कैसे क्यों नहीं हुआ, बट मैंने सच में फेंका था और मुझे मिली थी प्राइज़ में ये गुड़िया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग।